साल का प्लान है, ओके तो फिर कैसे हम लोग मूव करने वाले हैं आने वाले एक साल के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में आपका बेसिकली क्या होगा, पहले जो क्लास इलेवेंथ वाले हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें। देखिए जो आपका मैथ्स है और जो फिजिक्स है वो तो एक ही टीचर आपको हो सकता है पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि उनका जो होता है वो एक ही सीक्वेंस होता है, लोग फॉलो कर पाते हैं। बट केमिस्ट्री के साथ थोड़ा सी चीजें अलग हो जाती है। आप लोग क्लास 10 तक जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो बहुत ही बेसिक था, इसलिए आपको उसमें उतना कुछ फर्क नहीं देखने को मिला। बट अभी के बाद आप जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो उसके तीन मेजर डिविजन्स होने वाले हैं, और वो तीनों डिविजन्स में काफी हद तक गैप होता है, और वो गैप इतना तक भी होता है कि आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको कोई परेशान नहीं होना है। वो केमिस्ट्री होती ही ऐसी चीज है, और उसमें हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं एक बार केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। टॉपिक जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो क्या, आपको एक पढ़ाया जाएगा पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ओके फिजिकल केमिस्ट्री जो आप लोग का मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक इतनी बेसिक आप लोगों को होगी, ठीक है। ये आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्लास 10th में अगर ध्यान दियो, आपको क्लास 10th में और 9th में मिला करके कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए थे। क्लास 10th में आप लोगों का सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा था, पीरियोडिक टेबल था ना? यस सर, पीरियोडिक टेबल। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, आप कह सकते हो सबसे बेसिक चैप्टर है। आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ने को स्टार्ट करोगे क्लास 11th में, तो आपका वो स्टार्ट ही होगा पीरियोडिक टेबल से, जहां आपने क्लास 10th में स्टॉप किया, ठीक है, ओके। और आपको पता होगा आप उससे पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में बात कर रहा हूं सिलेबस, आपको ऑर्गेनिक में क्या पढ़ाया गया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप समझ सकते हो कि उस चैप्टर को ही अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आगे तक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, और ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो पूरा ब्रांच है उसका जो मेन हीरो है आप कह सकते हो वो उसमें होता है कार्बन, ठीक है। और सोचो एक अकेला एलिमेंट एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्रिएट कर देता है, तो आप समझ सकते हो वो कितना स्पेशल एलिमेंट होगा, उसके पीछे रीजंस क्या होंगे भाई। तो रीजन तो आप लोग थोड़ी बहुत बेसिक जानती ही हो, उसमें से एक बहुत ही फेमस रीजन जो आप लोग क्लास 10 तक में पढ़ चुके हो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो वो सारी चीजें होती है रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण कार्बन अकेला एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना लिया होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर बात आपकी आती है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़े थे सर अपन लोग क्लास 10th में, आपको ऐसी कोई चैप्टर नहीं थी जो फिजिकल आपको पढ़ाई गई होगी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में बात कर रहा हूँ। क्लास 9th में आप जब पढ़ रहे थे मोर कॉन्सेप्ट, वो आपका था फिजिकल केमिस्ट्री, मोर कॉन्सेप्ट, ये आपका था फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। क्लास 11th में अपन लोग कैसे मूव करते हैं, जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग बात कर लें। तो आपका आएगा पहले मोर कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर चैप्टर्स आपके आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा आपका, जो बेसिक आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, पर ठीक है अपन यहाँ फिर भी बेसिक से बात करेंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है गैसियस स्टेट, ये आपके पास एक बस ब्रीफ आइडिया है कि अपन लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना कितना होगा, दो साल कितना सिलेबस होता है, जेई का हो या नीट का हो, मेंस का हो, सबका सिलेबस इतना ही है, ठीक है। बस फर्क ये होता है, इवन आप कह लो तो सिलेबस भी लगभग सेम ही होता है, बस जो नीट होती है उसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़े इजी होते हैं, और एडवांस के क्वेश्चन में और मेंस के क्वेश्चन में आप कह सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप होता है, ठीक है। एडवांस में थोड़ा सा और भी अप होता है, बस इतना ही फर्क है। बोर्ड्स में फ्लैट क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये बोर्ड्स का भी आप एनसीईआरटी देखो तो सिलेबस आपकी ऐसी, ठीक है। ये आ गया आपके पास, फिर आपके पास आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के फर्दर जो आपके डिविजन होते हैं केमिकल एंड आयनिक, वो अपन बाद में देख लेंगे। आपका आएगा इक्विलिब्रियम। तो आपको क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली इतने चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब बाकी लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, तो वो कुछ नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, कुछ वैसी नहीं है। फिर ये आपकी होगी क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। फिर आपका आप अगर बात करते हो मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल, वहां हमें कितना पढ़ना होगा क्लास 11 तक में, एक आपका क्या आएगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी आपको पढ़ना होगा क्लास 11th में ही, और उसके बाद आपका आएगा एस ब्लॉक एंड सम पार्ट ऑफ पी ब्लॉक, सम पार्ट ऑफ पी ब्लॉक में, ठीक है। और एस ब्लॉक में ही आप क्या पढ़ रहे होंगे हाइड्रोजन चैप्टर, एक अलग से चैप्टर है हाइड्रोजन ब्लॉक, थोड़ा अलग से स्टडी करते हैं। तो ये आपका क्लास 11th का पार्ट है फिजिकल और इनऑर्गेनिक। अच्छा ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना होता है हमें क्लास 11th में, ऑर्गेनिक में आपको बेसिकली जीओसी पढ़ना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपको पढ़ना होता है क्लास 11th में। और साथ में कोई चैप्टर होती है क्या, हाँ कह सकते हो आप, क्या होती है हाइड्रोकार्बन, ठीक है हाइड्रोकार्बन, ये भी आपकी एक चैप्टर होगी। इसमें क्या आता है भाई एल्केन एल्कीन एल्काइन, आप जो थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ रखे हो, ठीक है एल्कीन एल्काइन, ये आपकी आती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपकी आई क्लास 11th की सिलेबस, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर थोड़ी सी और अगर बात कर लेते हैं बस एक मतलब एक कंटिन्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लास 12 में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से चार चैप्टर आपके पास आ जाए, उसमें कौन कौन सा मेजर होगा सॉलिड स्टेट, फिर आपका आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, फिर आपका आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो पास आउट के बच्चे हैं ये उनके लिए काम की बात होगी पब्लिकों, क्योंकि वो तो सारे एक साथ एक ही बार में पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देयर आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स। और कोई चैप्टर होता है क्या बताओ? हाँ जी पास आउट के जो बच्चे हैं बताइए, और कोई चैप्टर होता है? सरफेस केमिस्ट्री सर, सरफेस केमिस्ट्री गुड, ठीक है। एक और चैप्टर आपका क्या होगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूं उसको, एक होगा आपका सरफेस केमिस्ट्री। ये आपकी हो गई पूरी सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री की, और जो कि प्रोबेबली चांस है कि पूरा मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर आपका आएगा क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें अगर आप क्लास 12 की बात करो तो जो पी ब्लॉक का सम पार्ट बाकी था वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। फिर आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है, इसी के साथ आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका आएगा। और क्या आएगा फिर इसके बाद हमारे पास, इसके बाद आपका आता है मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना, कैसे अपने जो हमने ग्राउंड के अंदर से ओर्स मिलता है उससे हम लोग कैसे कौन से रिएक्शंस करा करके हमें मेटल ऑब्जर्व मतलब ऑब्टेन होती है हमारे पास, ये आपके पास। और अगर जेई वाले बच्चे उनको यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ाया, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग कंपाउंड्स के कलर की बात कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है कौन सा कलर होगा क्या प्रॉपर्टीज होंगी ये बेसिकली। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बाकी का पूरा रिएक्शन है जैसे जीओसी और हाइड्रोकार्बन आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जितने भी आपने क्लास 10th में भी सुन रखा है फंक्शनल ग्रुप, उन सबका रिएक्शन प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ने वाले। लाइक एग्जाम्पल्स कुछ अगर अपन लेना चाहें तो आपके पास एल्कोहल होगा, आपके पास आप कह सकते हो ग्रुप्स होंगे मतलब हेलो एल्केन, ठीक है ये ऐसे करके और भी चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे, ईथर हो गया आप यहाँ पे कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आप जो सुन रखे हो क्लास में, ठीक है आपके पास कीटोन हो गया एल्डिहाइड हो गया ये सारे इसमें आए, ये आपका जो है लिस्ट वो थोड़ा सा और बड़ा भी हो जाएगा कुछ नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स फिर आपकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये सारे इसमें आए, ठीक है ऑर्गेनिक, और ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक का पोर्शन, और ये हो गया मेजर आपका फिजिकल का पोर्शन पूरा। तो फिजिकल में अपन लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट जो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर एटॉमिक गैसियस थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम सॉलिड स्टेट लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और बहुत हद तक चांसेस ऐसी होती है और होता भी ऐसा है कि आप कोई भी पेपर दे रहे हो ना नीट हो मेन्स हो एडवांस हो, तो तीनों में ही जो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस का वेटेज है वो तीनों ही पार्ट से मोर और लेस इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर किसी एक पार्ट को ज्यादा फोकस कर लो कम कर लो तो कुछ वैसा बेनिफिट नहीं होगा, आपका 1/3 मार्क्स चला जाए अगर आप किसी भी एक को छोड़ते हो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट किया चैप्टर बताइए। हाँ जी हाँ जी सर
चलिए ठीक है, इसी के साथ आपको स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा अब मेरे को बताइए कि मोर कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने बेसिक कितना पढ़ रखा है, कितनी आप लोगों को याद है या फिर जो भी आपको लगता है आप बताइए मोर कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या। क्लास नाइन्थ में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, और जो पास आउट वाले हैं वो लोग भी पढ़े होंगे लास्ट ईयर एग्जाम दे रहे होंगे तो पढ़े होंगे। बताइए सर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्स। अभी एज प्रेजेंट इन कार्बन एटम्स फिजिक्स है। कार्बन एटम्स ठीक है, मतलब ठीक है। चलिए आप जो डेफिनेशन देना चाह रहे थे वो ठीक है, कार्बन 12 की बात कर रहे हो और ठीक है वो सारी बातें सही है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स आप ऐसा बोलना चाह रहे थे, और यही डेफिनेशन जो आप दे रहे हो गूगल पे भी लिखा हुआ है और वो हर जगह लिखा हुआ है सारे ठीक है। और इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन भी यही से स्टार्ट हो जाता है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो अपन मोर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से आप स्टार्ट कर रहे होंगे, इतनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन अपन यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है। मोर कॉन्सेप्ट अच्छा, अब पहले देख लेते हैं मोर कॉन्सेप्ट में हम लोग चैप्टर में मूव कैसे कर रहे हैं, चैप्टर में हम लोग किस तरीके से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर दें। सबसे पहले देखो मोर कॉन्सेप्ट में अपन स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास होती है फॉर्मेलिटीज के लिए क्या एटम्स मॉलिक्यूल्स होती है ना, ये सारी चीजें ठीक है। यस सर, तो एलिमेंट कंपाउंड इन सब की बेसिक एक आइडिया हम लोग पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो ठीक है अपन कर लेंगे टाइम के साथ डिस्कस कर पहुंचेंगे अपन ठीक है। इन सब के बाद हमारे पास क्या आता है एटम, अगर एटम्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट क्या होता है एटॉमिक मास क्या होता है ठीक है। और तो दोनों थोड़ी अलग चीजें होती है बट अपन लोग अपने के लिए सेम मानना चाहिए एटॉमिक मास की बात है ठीक है। एटॉमिक मास क्या होती है, फिर आपका अगर मॉलिक्यूल है तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब इतने की बात तो सब कंप्लीट होती नहीं है, इसके बाद और भी टर्म्स हमारे पास होती है जैसे कि क्या मोलर मास, अच्छा ये भी कोई चीज होती है। फिर इसके बाद आपके पास क्या हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास, फिर क्या होगा आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मेरे को एक्सप्लेन करो तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है ट्राई। If we want to express the value of an atom in grams, then it is called gram atomic mass. नहीं नहीं मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि मान लो अपने पास है ऑक्सीजन एटम, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे पास है ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 AMU, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 16 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उसमें 8 क्या होते हैं प्रोटॉन्स और 8 क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स, और अपने को पता है कि दोनों का मास मोर और लेस सेम होता है, इस पे बात करेंगे अपन आगे चल करके। तो 16 मास हो गया, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16 AMU, अगर उसी को अपन ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उतना सही नहीं लग रहा यार ठीक है देखते हैं टाइम के साथ अपन इसको भी सीख लेंगे। फिर अपने पास क्या आता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आप ये भी बोल सकते हो। अच्छा चलो एक प्रैक्टिस अपन लोग यहाँ करते हैं कि आप लोगों को मैं आप लोगों को कोई भी गैस का या कोई भी एलिमेंट का आपको नाम बताऊंगा और आपको बताना है कि उनका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ठीक है। अगर गैसेज होंगी अगर जहां तक आपको लगता है आप बताओगे मॉलिक्यूलर मास क्या ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 क्या AMU ठीक है देखते हैं। अच्छा N2 नाइट्रोजन 28 क्या AMU ठीक है चलो मान लेते हैं। अब बताओ
कार्बन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कार्बन का? 24 12 amu. कार्बन का 24 बोलने का क्या मतलब था भाई, नहीं होता है वैसा. अच्छा हीलियम का बताओ कितना होता है? सर 4 amu. 4 amu, ठीक है. तो उस 4 amu को अपन क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास बोले हीलियम का या फिर मॉलिक्यूलर मास? क्या मॉलिक्यूलर मास. ओके मॉलिक्यूलर मास. सर एटॉमिक मास होगा. एटॉमिक मास क्यों बताओ, क्योंकि एक ही हीलियम का मास होता है ना. फोर हीलियम को अपन कैसे लिख रहे होते हैं, ऐसा लिख रहे होते हैं ना. तो ये तो 4 आ रहा है, ये तो एटम का मास है ना. क्या मैं कह रहा हूं समझना, अगर अपन ऑक्सीजन की आपसे पूछे तो आपने क्या बोल दिया 16, मतलब ऐसा. और आपने क्या आंसर किया, O2 का 32. तो आपने दो यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, दो ऑक्सीजन एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो आपने बोल दिया 32. हीलियम में आंसर क्या होगा, 4 या 8? सर एटॉमिक मास पूछेंगे तो 4. अच्छा और अगर मॉलिक्यूलर मास पूछूंगा तो सर वो डिपेंड करेगा कितना मॉलिक्यूल्स है. तो कितना है वो आप बताओ, हीलियम है भाई, पता है ना आपको हीलियम. ठीक है सर, पहुंचते हैं. सर 4 ही है. 4 ही है, तो मतलब 4 क्या बोले, 4 इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम. ठीक है चलो पहुंचते हैं वहां भी. अब चलो बताओ, आपने बताया N2 का आपने बता दिया कि 28 होती है, O2 का 32 किसी ने बता दिया, ठीक है. अब बताओ एयर का कितना होता है, एयर का कितना होता है? बताओ क्या हो गया, बताइए एयर का कितना होता है. सर एयर में तो, सर एयर में तो बहुत सारे ये एलिमेंट्स हैं. अच्छी बात है, तो मतलब एयर का आप आंसर नहीं दे सकते हो, है ना. ओके कोई बात नहीं. ये जो अपन ये बात करेंगे ना यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की जब बात करेंगे ना, या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, यहाँ पे अपन एयर का करके देखेंगे कैलकुलेट, ठीक है. यहाँ पर जो सीख रहे होंगे वो लोग सीखेंगे कि आपका किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज व्हाट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज व्हाई यू वर अनेबल टू आंसर इट, कि भैया उसका क्या कौन सा बोलते हैं, N2 का बोलते हैं O2 का बोलते हैं, बट वो सबका मिक्सचर है, CO2 भी है, लिटिल बिट हाइड्रोजन भी है, तो क्या करेंगे उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे सीख लेंगे कि उसकी कैसे निकालते हैं अपन लोग, तो समझना गैसेस की तो सारी हम लोग को आइडिया है भी, और जो मिक्सचर ऑफ गैसेस भी है ना अपन उनका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास क्या होता है, ठीक है. तो अपन चैप्टर में बने रहते हैं, सीख लेंगे उस चीजों. अच्छा इसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं, इसके बाद अपन देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, ये हम लोग सीखेंगे. इसमें जो भी फॉर्मूले होंगे वो हम लोग देख लेंगे क्या होता है, ठीक है. फॉर्मूले जो भी होंगे, कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर अपन कर लेंगे, और आज अपन यहीं से स्टार्ट करने वाले चैप्टर को, अपन आज यहीं से स्टार्ट भी करने वाले, ये पार्ट भी अपन बीच में डिस्कस करते रहेंगे टाइम के साथ, जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट होगी जिस चीज की, ठीक है. फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास ये पार्ट को कर ही लेंगे, और इसके बाद हमारे पास आता है बहुत सारे लॉ होते हैं ना, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, उनकी भी अपन बात कर लेंगे. लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है ना, होती है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल, बहुत सारी होती है, सब अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आपका आएगा, एक आता है आपका स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, एक आपका आएगा स्टोइकियोमेट्री. तो स्टोइकियोमेट्री की पार्ट भी अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे. स्टोइकियोमेट्री 1, ध्यान देना स्टोइकियोमेट्री एक ऐसी पार्ट है जिससे हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं. स्टोइकियोमेट्री को अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं. पहला पार्ट जो होगा वो इस जगह पर कर लेंगे डिस्कशन, सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं है. स्टोइकियोमेट्री इज बेसिकली, स्टोइकियोमेट्री 1 इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन द रिएक्शंस, ठीक है. रिएक्शंस में मोल कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है वो हम लोग सीखते हैं स्टोइकियोमेट्री 1 में, और जो स्टोइकियोमेट्री 2 है हमारा वो हम लोग पढ़ रहे होंगे जब पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि उसमें हमें उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. और जो क्लास 11th वाले हो परेशान कुछ नहीं होना, सब टाइम के साथ अपन सीखते हैं,
ओके, और यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिस्कशन अपन कर लेंगे कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत यूज होगा। अपन लिक्विड सॉल्यूशन तक वेट नहीं कर सकते ना सीखने का, तो यहाँ पर अपन सीख लेंगे कंसेंट्रेशन टर्म्स कैसे अपने को देखनी है। इसमें भी क्या आता है क्लासिफिकेशन, वॉल्यूम रिलेटेड है ना, मास रिलेटेड, उसमें बहुत सारी आपकी आएगी मोलरिटी, मोडलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, बहुत सारे टर्म्स हैं, वो अपन यहां डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट किया चैप्टर, बताइए। यस सर। चलिए ये आपका एक रहा बेसिक फ्रेमवर्क कि आप अगर चैप्टर में थोड़ा खो भी जाते हो कहीं, कुछ पार्ट आप अगर मिस भी कर देते हो, तो आपको पता रहे कि हम लोग कहाँ पे क्लास में अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसी फ्लो में अपन मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये बताइए कि मोल का, ठीक है मैडम ने डेफिनेशन तो दिया, बहुत ही टफ दे दिया, नहीं मोल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन थोड़ा टफ हो गया, तो हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट बेसिक स्टाइल में। चलिए ये बताइए पहले मेरे को कि आप लोग इस टर्म से क्या समझते हैं। मान लो यहाँ लिखते हैं वन डिकेड, क्या मतलब, क्या दिमाग में आता है सुनने के बाद आपको बताओ? 10 years। हाँ ठीक है, 10 years आपको ऐसा कुछ समझ में आता है इसके। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर मान लो अपन ऐसा बोल देते हैं 1 dozen, ये सुनकर क्या समझ में आता है? 12। बिल्कुल 12, अपने को ये समझ में आता है कि 12 units, कुछ ऐसा चीज तो कुछ तो होगा भाई, है ना। अक्सर अपन जब केले खरीदने जाते हैं तो इसमें ही बात हो रही होती है, ठीक है ना, वहां वेट बहुत रेयरली कहीं भी करते हैं, कहीं नहीं भी करते हैं, बहुत जगह पे केले वेट मतलब वेट करके भी सेल होती है कि 1 kg, ठीक है, तो उनके ऊपर है, कोई बात। इसका मतलब बताओ 1 century, जल्दी बताओ। 100 years। ओके, 1 score 20 20 20 20, अच्छा 1 gross 12 dozen, it means 144 units। ठीक है, ओके, अब बताओ यहाँ पे 1 mole 6.02 10 to the power 23। सर एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो, बिल्कुल। ठीक है, पार्टिकल्स, तो आप देख रहे हो ना, आप जैसे इन सब टर्म्स से कुछ कुछ समझ रहे थे, आपको सेम मोल से भी समझ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए डजन अलग चीज है और मोल अलग चीज है, दोनों सेम ही। ठीक है, आपको आपको डजन से और आपको मोल से सेम चीजें ही समझनी है, दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों ही क्वांटिटीज को, पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, बट जो डजन है वो अपन लोग तब यूज कर रहे होते हैं, लोकल लैंग्वेज में अपन यूज करते हैं। आप अगर ये बोलते हो अपने यहां पर 1 mole की इतनी वैल्यू, आप बताओ अगर मैं कहता हूं मान लो कि 1 mole एप्पल, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कितने सारे 10 to the power 23 है। ठीक है, ये इसका मतलब होगा, क्लियर? यस सर। ये ठीक है, अब ये बात की बात है कि अपन को कभी भी इतने सारे एप्पल्स चाहिए नहीं होते हैं, इसीलिए अपन मोल टर्म का यूज उसके साथ कभी नहीं किए। ठीक है, अपने लोग डजन, स्कोर, इन सब में ही रह जाते हैं। ठीक है, सेंचुरी, इतने टर्म्स में, इससे ऊपर बहुत रेयरली अपन जाते हैं, है ना, तो अपने का काम इतना में चला जाता है। बट जो केमिस्ट लोग होते हैं, जो लैब में काम कर रहे हैं, जिनको हर दिन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके कैलकुलेशन से उनको डील करना होता है, सोच कर देखो अगर वो लोग डजन से स्टार्ट करे करने को, अच्छा भैया कितने डजन थे इलेक्ट्रॉन्स, सोचो क्या वैल्यू आएगी उनके पास, समझ रहे हो ना, उनका आपकी डजन की वैल्यू है वो आ जाएगी 10 to the power 3 4 5 8 9, क्या मतलब बनता है फिर। तो वो लोग अपने चीजों को आसान करने के लिए एक और टर्म क्या बनाया अपने पास, 1 mole। ठीक है, कि हम लोग जब 1 mole को बोल रहे होंगे तो 1 mole में हम लोग इतना समझे, एक बड़े से नंबर उन लोगों ने चूज कर लिया कि हम लोग जब भी 1 mole बोल रहे होंगे तो हम लोग इस नंबर को
वहां पे समझ रहे होंगे। यहां तक क्लियर? ये बताओ। यस सर। यस सर। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर नंबर चूज करना ही था बड़ा वाला तो नंबर चूज कर लेते ना, ऐसा नंबर चूज करते हैं 10^23 अगर करना ही था तो 10^25 कर लेते हैं, 10^20 कर लेते हैं, ये ऐसा करने का क्या जरूरत था हम लोग? ये 6.023 मतलब क्या मिल रहा था? अगर बड़ा नंबर ही चूज करना है जैसे आप कह रहे हो सर कि उनको एक बड़ा नंबर चाहिए था तो बस ये सिंपल सा नंबर चूज करते ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों चूज कर रहे थे? तो अपने दिमाग में सवाल आता है कैलकुलेशन इजी होने के लिए, तो ये तो कैलकुलेशन और टफ कर दे रहा है। मतलब अगर मान लो ये वैल्यू होती तब तो कैलकुलेशन इजी होता है ना, और ये तो और टफ कर दे रहा है 6.023। एंड व्हाई 6, व्हाई नॉट 5? समझ रहे हो? कुछ आंसर है आप लोगों के पास? पढ़ चुके हो पहले सर? क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, सिक्स कार्बन होते हैं मतलब। सर हाँ हाँ बताइए। नहीं, अच्छा चलो छोड़ो। तो अब अपने को ये समझ में तो आ रहा है कुछ कि यार कोई भी अपने चॉइस से तो ये नंबर को नहीं चूज किया होगा, कि मतलब मेरा चॉइस है कि मैं इसी नंबर को चूज करूंगा। कोई भी अगर इंसान नंबर चूज किया होता तो कोई अच्छा खासा नंबर चूज किया होता। जैसे देखो लोग कैसे चूज करते हैं, सेंचुरी 100, 1000 बना दिए उसको, मेगा कोटेंट दी बार 6 कर रहे हैं, मतलब एक किलो कोटेंट दी बार 3 कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। कभी भी तुम देखो बहुत पंगा हो रहा है कभी नहीं देखोगे, नॉर्मल ठीक चलता है सब कुछ। 10^5 को पास्कल बार, मतलब ठीक चलता है सब कुछ। तो ये ऐसा चूज करने का यार कोई इंसान तो चूज नहीं किया होगा, और अगर किया भी है तो कोई कंस्ट्रेंट से वो भी बंधा हुआ होगा। कहने का मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आई है, एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आ गई, अब आ गई तो आ गई, समझ आ रहा है ना? और लोग उसी को आगे फिर कंटिन्यू कर, क्लियर? समझ आ रही है? ठीक है। अब अपन चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये नंबर इतना ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर इतना ही क्यों है, कोई और नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, फिर आपका इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, सब चलेगा। ठीक है, अपन सबका मेजरमेंट इन टर्म्स में ही कर रहे होंगे, तो समझ लेना केमिस्ट लोगों के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, और आप चैप्टर में आगे भी बढ़ रहे होंगे, आपको भी ये बार बार यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब जैसे कि हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब हो सकते हैं। और अपने को पता है कि एटम्स के अंदर में कौन प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के अंदर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अच्छा, ठीक है, एटम्स के अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोर देन 30 और 40। ठीक है, जो 3 बोल रहे हैं ना, तो एटम्स के अंदर में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स। बट सवाल ये आता है कि हम लोगों को कितने से मतलब होता है? 3 से ही मतलब होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोगों को मोर और लेस ये 3 जो है उस मतलब बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं चीजों को, और एटम के अंदर जो कंटेंट भी है वो मेजरली इन तीनों का ही होता है। तो अपन इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दे आर नॉट द ओनली पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट। एटम्स के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आप वो भी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर्स में आपको समझ में आता जाएगा कि और भी बहुत सारे पार्टिकल्स आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में ही प्रेजेंट होते हैं। बट ये अपने को नहीं इतना मानना है, अपने स्टैंडर्ड तक में अपने ये मानकर चलेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। तो यहां से ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पार्टिकल्स नहीं कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स।
कि अपन अगर पार्टिकल्स कह देंगे तो और भी बहुत सारे, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं और एक बेसिक चीज जो होगी हमारे पास उनका मास और उनका चार्ज कितना कितना इनपे होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। बताइए कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, बताइए। 9.301 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, 9.1 10 to the power minus 31. क्या ग्राम? kg. kg. Okay. अगर इसी को अपन ग्राम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 28. क्योंकि अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? बताइए। ठीक है? 1.6 10 to the power minus 19, ये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ द चार्ज, मॉड्यूलस ऑफ द चार्ज एंड द साइन विल बी ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बताओ अगर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, इसकी मास कितनी होती है? प्रोटॉन की मास कितनी होगी सर? 1.67 into 10 to the power minus 27 क्या केजी? केजी यस सर। केजी अगर ग्राम में करेंगे तो माइनस 24 है। ठीक है, चार्ज कितना होगा? सेम एज इलेक्ट्रॉन बट विल हैव ऑपोजिट साइन, पॉजिटिव। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की, इस पे कितना होगा बताओ? मास बताओ सर, 1.6 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। एक ही बात है, एक ही बात है। चार्ज कितना होगा इस पे? इट इज न्यूट्रल सर, न्यूट्रल तो न्यूट्रल होगा। बिल्कुल न्यूट्रल, चार्जलेस एंड हेंस इट्स नेम न्यूट्रॉन। ओके, अब ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोनों का मास अपन क्या मानकर चलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मानकर चलेंगे फॉर एवरी कैलकुलेशन। बट एक बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूं, ध्यान में रखना, न्यूट्रॉन जो होता है ना वो स्लाइटली हेवियर होता है, इट इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, बट बहुत ही हल्का सा होता है तो अपन लोग उसको इग्नोर करके दोनों को सेम मानकर चलते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, ओके चलिए, ये हमारे पास यहां तक हम लोगों ने अपना सफर कर लिया। अब ये बताइए हाउ मच चार्ज विल बी देयर, एक क्वेश्चन करिए तो, हाउ मच चार्ज विल बी देयर ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताइए हाउ मच चार्ज विल बी देयर ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सर? माइनस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इनटू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 20। गुड, करके बताइए वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, अप्रोक्स कितनी वैल्यू आ रही है बताइए, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए। बताइए वैल्यू आ कितनी रही है एक बार, आपने जो बताया है बिल्कुल सही है बट वैल्यू मेरे को बता दीजिए एक बार। तो देखो आपने वो क्या करना था, how much charge will be there on one mole of electron? एक मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, उस पूरे के ऊपर मिला करके टोटल चार्ज कितनी आएगी? तो अपन पहले क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है 1.6 10 to the power minus 9। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, इतना कूलम, राइट? अच्छा, मेरे पास है कितने इलेक्ट्रॉन? वन मोल। ओके, वन मोल का मतलब कितने हो गए? वन मोल का मतलब हो गया 6.023 into 10 to the power 23। तो इतने के ऊपर this into this, इतने कूलम आएंगे हमारे पास, ये वैल्यू कितना आ रहा है बताइए?
आप ये वैल्यू को सॉल्व करना, ये वैल्यू अप्रोक्स आएगा 6368 ठीक है 96500 खुला ये वैल्यू आपका आएगा। ये वैल्यू को अगर आप थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड करते हो तो आपके पास क्या आएगा 96500 खुला ठीक है। और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है ऐसा इसलिए ये जो वैल्यू इसी को अपन क्या बोलते हैं इसी चार्ज की वैल्यू को क्या बोलते हैं व्हाट 1 फैराडे 96500 कूलम इज 1 फैराडे ठीक है। आपको 1 फैराडे चार्ज बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में खास करके जब अपन पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां तो क्वेश्चन का वो लैंग्वेज ही ऐसा लिखेगा चार्ज वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। जब अपन पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर आप जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे होते हो तो वहां पे आपको ये नहीं एक्सप्लेन करेगा कितने चार्ज है वो लिख देगा 1 फैराडे चार्ज तो वो इसी के इक्वल है। सो बेसिकली 1 फैराडे चार्ज का डेफिनेशन क्या है द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे चार्ज ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है क्लास 11 ठीक है समझ आ रहा है। यस सर यस सर यस सर अगर फास्ट लगे तो बता देना और स्लो लगे तो भी बता देना फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा मतलब और धीरे धीरे ही चलो थोड़ा फास्ट करना है क्या। नो सर नहीं सर ठीक है चलिए ओके ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ एटम का कुछ वेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने कहा था कि एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं फिर अपन वापस से आएंगे मूल कांसेप्ट के ऊपर। देखो अब बताओ आप एक चीज कि हमारे पास देखो एक चीज आप लोगों को पता है ना ये हमारा अगर न्यूक्लियस है मान लेते हैं ये एटम है ठीक है ये पूरा क्या है एटम है मान लो और ये क्या है आपका न्यूक्लियस इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ठीक है। इसी में से कुछ आपका क्या होगा प्रोटॉन्स होगा और कुछ आपका क्या होगा न्यूट्रॉन्स ठीक है। ये जो न्यूट्रल वाले न्यूट्रॉन्स कर रहे हैं इसको प्रोटॉन्स और इन दोनों को ही अपन मिलाकर क्या कह रहे होते हैं क्या न्यूक्लियॉन्स इन दोनों को ही अपन मिलाकर के साथ में क्या कह रहे होते हैं न्यूक्लियॉन्स ठीक है। जब अपन कहेंगे कि न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है तो वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही आ रहे होंगे साथ में कोई एक की बात अपन नहीं कर रहे कंबाइंड बात ठीक है। अच्छा अब बताइए और हमें ये पता है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वेट सेम होता है दोनों हम लोगों ने अभी क्या देखा था दोनों को सेम मान कर रखे हैं तो ये बताओ कि आपका वर्ग न्यूक्लियॉन का मास कितना होगा मास ऑफ वर्ग न्यूक्लियॉन कोई भी वर्ग न्यूक्लियॉन इट कैन आइदर बी अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कितना होगा वन एमयू क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारी एटॉमिक वेट और इन सब की जो हम लोग बात करते हैं उनका बेसिकली जो हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं वो तो यही है ना कि आपका इन दोनों का मास जितना आएगा उसी को बोल रहे होंगे और एक का मास कितना है 1 amu एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है 1 amu ठीक और एटॉमिक मास अपन बोल रहे होते हैं कि उसके अंदर जितने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं सबका मास अगर सम अप कर दे जो आएगा वो उस एटम का एटॉमिक मास है तो उस एटम में जितने सारे न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एटम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे उसका amu वैल्यू जो आएगा मतलब दैट मच amu विल बी इट्स एटॉमिक मास ठीक है। ओके अब ये बताओ कि इसी तरीके से अपन ये पूछते हैं कि आपका मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होगा बताओ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होगा इट कंटेन्स 16 न्यूक्लियॉन्स आपको ये पता होगा इट कंटेन्स 16 न्यूक्लियॉन्स तो कितना आएगा 16 into 1 amu 16 तो होगा और सबका मास कितना है 1 amu तो we can say 16 amu ठीक है। अगर अपन मान लो यहां से ही बात कर रहे होते हैं कि आपका मास ऑफ समझना एक चीज को ध्यान से ध्यान देना आप ठीक है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम नहीं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वैल्यू कितनी आएगी बताओ 6.023 into 10 to the power 23 into 16 amu. ये आपका क्या था 16 इसे ऐसा करता हूँ एक सेकेंड इसे कर लेता हूँ 16 amu है ना क्योंकि ये क्या आ गया
16 AMU is the mass of one oxygen atom, but you are asked to calculate the mass of one mole of oxygen atom. And we know in one mole we will have any number of oxygen atoms. तो ये आपका हो गया एक एटम का मास, और हमारे पास कितने होंगे 6.023 × 10³ ये आ गया आपके पास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो इसे हम लोग क्या एमयू में ही छोड़ दे, मतलब जब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो ग्राम में ही कर लेते हैं यार, है ना। एमयू में इसको क्या मतलब क्या ही बोलेंगे, इतना सारा याद रखेंगे क्या, ग्राम में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है ना 16। अच्छा एमयू को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बताओ 1 AMU is how much gram? 1.67 × 10⁻²⁴ ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ 7 लिख रहे होते हैं तो वो kg में आता है, बट अपने को ग्राम में कैलकुलेट करना है −24, ठीक है। ओके ये हो गया इसका मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 6.23 ग्राम। बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है। अच्छा उतना पूरा अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों को सॉल्व करके बताओ कि वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को बताओ, सिर्फ ये 16 को छोड़ दो, इन दोनों को बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। 10 फिर 9.6 के अराउंड सर, 1 जल्दी बताओ, 1 ग्राम 1 आ रही है। ओके मतलब ये तो 16 हो गया और ये आ रही है 1 ग्राम, क्या आ गई वैल्यू 16 ग्राम। मतलब क्या हुआ आप समझ रहे हो, थोड़ा ध्यान दो एक बार, थोड़ा ध्यान दो इस वैल्यू में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर आ गया हाँ तो ये तो ठीक है ना अपने को पता है, देखो कि हुआ क्या है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 AMU, ठीक है अच्छी बात है, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब उसी एटम का अगर वन मोल हम लोग ले लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके 16 ग्राम। वन ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU और वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, मतलब दोनों 16 तो सेम रह गया, बस ये एमयू रिप्लेस हो गया ग्राम से, बस। मतलब किसी भी चीज का आप अगर एटॉमिक वेट देखें, एटॉमिक मास देखें, जो वैल्यू आया उसको मोलर मास में किए वो सेम वैल्यू ग्राम में सेव होता और कुछ नहीं होता, ठीक है सर। बट एमयू में क्या प्रॉब्लम, ग्राम में तो एमयू में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ एमयू में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि अच्छा बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, आप क्या बोलते हैं ये 16 × 6 मतलब कुछ आपका आएगा 96 × 10³ AMU, कैसा लग रहा है सुनने में, ठीक है। अगर किसी और का पूछते हैं ऐसे ही आपसे नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अपने पास, उनका पूछेंगे आपसे कार्बन का, तो आप क्या बताओगे सबकी वैल्यू ऐसे ही कुछ आपका 206 × 10³, किसी का कुछ और बोल रहे होगे, मतलब सोचकर देखो एक बार, मजा नहीं आ रहा है। और ये कितना सिंपल हो गया, अगर नहीं कुछ बनता ना बात तो अपन नहीं कर रहे होते ऐसा, देखो ये कितना सिंपल हो गया 16 AMU × 16 ग्राम। अब आपको याद ही नहीं रखना है, मतलब याद नहीं रखना है अपने को याद, एक सेकेंड, मान लो अब आपसे पूछते हैं अगर O2 का मॉलिक्यूलर मास बताएं कितना होगा, मैं पूछ रहा हूं मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, मतलब O2 का कितना होगा वैल्यू 32 खुद सोच कर देखो ना, आपसे मैंने O2 का एक मॉलिक्यूल का पूछा है और O2 का एक मॉलिक्यूल विजिबल भी नहीं है, मतलब आप वे भी नहीं कर सकते उसको, इतना छोटा है वो, तो 32 AMU ही होगा, क्योंकि अगर आप इसका आंसर ग्राम में देने का सोच रहे हो, 32 ग्राम देने का अगर आप आंसर सोच रहे हो ना, तब ध्यान रखना ग्राम बहुत बड़ा वेट होता है, ठीक है। ये जो पेन का कैप है ना, इसका वे भी 32 से कम होगा, 32 कितना ज्यादा होता है आप सोच कर देखो फिर, तो ग्राम ऐसे ही मत बोलना, ग्राम अपने को फील होता है ना 100 ग्राम 200 ग्राम, काफी बड़ा वेट होता है वो, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास उतना हो भी नहीं सकता है, तो वो क्या होगा आपका एमयू होगा। अगर मैं यहां पे ही कह दूं
कि बताइए मोलर मास क्या होगा, क्या बोलोगे? 32 ग्राम। तो अपने को कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपसे पूछते हैं कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है, आप बोल दोगे कितना? 12 amu. अगर मैं बोल देता हूँ कार्बन एटम का वन मोल का मास कितना होगा, अब क्या बोल दोगे सीधा? 12 ग्राम। और इसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास, है ना? अगर पूछता हूं आपसे मोलर मास ऑफ कैल्सियम, आप बोलोगे 20 ग्राम। अगर मैं पूछूंगा एटॉमिक मास ऑफ कैल्सियम, आप बोलोगे 20 amu। क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप जैसे ही एमयू के वैल्यू को मोलर मास को मतलब मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा बन जाएगा 1 ग्राम और बच जाएगा ये नंबर और साथ में ग्राम, तो लगा दिया अपन ग्राम। यहां तक क्लियर? अब ध्यान दो हुआ क्या है आपके? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? अब सोच कर देखो एक बार, यहां पे हुआ क्या? अपन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब क्या एमयू और ये दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल था क्या? कुछ वैसा था क्या? मतलब ऐसा कुछ है क्या कि 1 amu = 1/6.023 × 10⁻²³, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि तभी तो ऐसा हो सकता है ना कि 1 amu के जगह प्लेस पे ये होगा और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया दोनों कैंसिल हो गया वैल्यू आ गया 1। ऐसा है क्या बताओ? हाँ जी बताइए, ऐसा है क्या? 1 amu = this much gram, ऐसा है क्या कुछ? पता नहीं। देखो अगर ऐसा होगा तभी तो वैल्यू 1 आ सकता है ना, और कैसे आएगा? अगर मैं ये कह रहा हूं कि x into y = 1, ठीक है ना, इस पूरे को मान लेते हैं x, इस पूरे को मान लेते हैं y। अब अगर x into y की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब कि x = 1/y। तो उसी चीज को मैं यहां कह रहा हूं कि मतलब कि 1 amu = this value, this value is what na avogadro's number gram, ठीक है? तो यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो ये भी तो कह सकते हैं कि आपका na = 1/1 amu, कह सकते हैं, बताओ? ठीक है, एक ही बात है ना। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू क्या आएगी, एक बार बताओ? अगर इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? na की वैल्यू आपको निकालनी थी ना, कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू उतनी ही क्यों आई थी, ये सवाल था ना हमारा कि उतनी ही क्यों आई, चेंज क्यों नहीं हुई? अपन यहां से फिक्स है 1/1 amu, वैल्यू कितना आएगा? आप ही बता रहे थे 1.67 × 10⁻²⁴। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये वैल्यू आएगा 6.023 × 10⁻²³। आप समझ में आया कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू उतनी ही क्यों है, ये बताइए। यस सर। तब तक आप अगर टिल मोमेंट आखिरी सांस तक अगर कैलकुलेट करते रहोगे ना ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा, तो भी आपकी जिंदगी में तो कैलकुलेट होने से रहा, आपकी कितनी जनरेशन लग जाएगी इस नंबर तक पहुंचने में, इतना बड़ा नंबर है। तो सोच कर देखो कि कोई रात में अचानक से सो रहा है फिर सुबह जाग गया बोला हाँ इतना ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता यार। मतलब और साइंस है, साइंस है तो रैंडम फिगर तो होंगे, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, रिलेशन आ गया आपके पास। चलिए अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं इसके बाद। ओके, ओके चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फिर ये सब का डेफिनेशन क्या हो गया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब का डेफिनेशन क्या रह गया, इस पर हम लोग थोड़ी सी एक बार बातें कर लेते हैं थोड़ी। देखो फिर आपका एटॉमिक मास क्या हो गया, आप समझ रहे हो? हाँ, देखो एक चीज और यहाँ पर ध्यान दो,
एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दो कि हम लोगों ने बात कर लिया कि अगर हमारे पास वन ऑक्सीजन एटम है, यहां से करते कार्बन, ठीक है, आपका वन कार्बन एटम है, उसका मास होगा आपका 12 AMU. अगर वन मोल ऑफ कार्बन एटम है, इसका मास होगा कितना? 12 ग्राम. पता है, इसी को बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? पहले वाले को 12 AMU क्या बोलते हैं बताओ? एटॉमिक मास. ये जो 12 ग्राम आ गया ना, इसी को बोलते हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, समझो. अब आप यहां पे जो समझे हो ना, ये उसी के इक्वल है. इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. ऐसा नहीं है कि व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. ऐसा नहीं है भाई, क्या ही बात है ये. ठीक है, अगर एटॉमिक मास को ही हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दें, उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नहीं, वन मोल लेकर के, तो उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. अब आप खुद सोचो एक बार, मेरे को एक बार सोचकर देखो, ये इसको ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं क्या? मतलब नहीं समझ में आता है इसको ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं. अगर वन मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है तो इसको सिंपली मोलर मास कह दीजिए ना. ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बताओ? हाँ सर. ये कंफ्यूजन सबके दिमाग होगा कि सर जब वन मोल आप ये कह रहे हो कि सिंगल एटम के मास को बोलेंगे आपका एटॉमिक मास, ठीक, और वन मोल ऑफ उसी एटम के मास को बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास. सर उसी को तो मोलर मास कहते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास. पता है ये दोनों सेम चीजें होती हैं. आपको कभी भी आप न्यूमेरिकल्स अगर कर रहे होंगे कहीं भी आपको ये मिलता है ना ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ, समझ आना वो मोलर मास ही आपको दिया हुआ है. मोलर मास ही आपको कह रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, मोलर मास ऑफ द एटम. ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है, नहीं फंसना इसके बातों में. अगर कुछ आपको कहता है मान लो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर से समझ जाना कि मोलर मास ही कह रहा है उस मॉलिक्यूल का, क्योंकि अब की बार क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर कह रहा है ना, मतलब मॉलिक्यूल होगा लाइक O2, है ना. O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताओ? O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम. 32 ग्राम बिल्कुल. मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम. दे आर लाइक बोथ सेम. ठीक है, ओके ओके. और ये भी आपको बहुत बार लैंग्वेज मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब बताओ कितने सारे मॉलिक्यूल्स बताओ? इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना, बुक में बहुत यूज करेगा ये. आप जब क्वेश्चन कर सॉल्व करोगे ना, आपको बार बार ऐसा लैंग्वेज मिलेगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन. आप बोलोगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये कहना चाह रहा है वो, मतलब एवोगैड्रोस नंबर और कुछ नहीं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और अगर यहाँ पे एटम कर देगा तो एटम की बात हो रही होगी. ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूल था ना, इसलिए यहाँ मॉलिक्यूल लिखा है. अगर यहाँ कार्बन होता तो यहाँ पे 1 ग्राम एटम कर देता. ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता उसका मतलब. तो ये तो भाई एक बात थी जो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया. चलिए ओके, अब चलिए एक बेसिक डेफिनेशन थोड़ी अपन लिख लेते हैं कॉपी में. ठीक है, लिखिए एटॉमिक मास का डेफिनेशन. एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखिए. लिखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू और म्यू, और म्यू. एएमयू में एक्सप्रेस हो सकता है वो एटॉमिक मास यूनिट या फिर म्यू. ये क्या है? यू टाइप लिखा रहता है, यूनिफाइड मास.
यूनिफाइड मास, ये यू है, ठीक है, यू न्यू टाइप दिखा रह सकता है आपको, तो मतलब उसका क्या है, यू यूनिफाइड मास, वो भी सेम ही चीज है। उसके बाद एक एग्जांपल लिख लीजिए नीचे, एग्जांपल एक जस्ट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम इज 12 amu, हाँ ठीक तो है, और यू मैंने कहा इट इज एक्सप्रेस्ड इन amu और यू, ठीक है, और यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। क्या चीज होती है, कुछ खास नहीं है, जो एमयू का मतलब है वही उसका मतलब है, एक अलग कन्वेंशन में उसको थोड़ा यू कह दिया गया नए कन्वेंशन में। हाँ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 एमयू और 12 यू, 12 एमयू कहो या फिर 12 यू कहो, ठीक है दोनों चलेगा। इसका एग्जाम्पल अब सेकेंड लिखो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास उसमें लिखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, इट्स कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो उसका तो N2 ही होगा, बट अगर कोई आपके पास कंपाउंड है लाइक H2O, तो उसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास आपका 18, और जो भी फिर आपका होना है CO2 44, तो ये सब आपका क्या है कंपाउंड के लिए आ गया, और वो आपका एक एलिमेंट के लिए आ गया। क्या होता है वो अपन बात करेंगे जब थोड़ा सा और बात कर लेंगे इसके ऊपर तब। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं, अब फिर लिखिए इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन एमयू, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन एमयू और यू सेम। एग्जाम्पल लिखिए इसका भी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 गैस एक मॉलिक्यूल का वेट इज 32 amu, 32 amu, ठीक है। अब इसके नीचे लिखिए थर्ड डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक मास, सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज 32 amu, मॉलिक्यूलर मास मैं कह रहा हूं, और मॉलिक्यूलर मास ग्राम में नहीं हो सकता कभी नहीं, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास कितना छोटा होगा समझ लो, देख भी नहीं सकते हो आप, तो वो ग्राम में होगा क्या, नहीं एमयू होगा, जब अपन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक मोल का मास आपसे पूछेंगे तो वहां एक सिंगल मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, हाँ उनका मास ग्राम में हो सकता है एक्सेप्टेड, बट एक का मास तो हमेशा एमयू में ही होगा ना, कॉमन सेंस है। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, लिखो इसका डेफिनेशन में, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, बट वो वाला नहीं जो आप लोग कह रहे हैं कि उसको एमयू से ग्राम में कर दे क्या, नहीं वैसा, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम कॉमा, इसका मतलब क्या लिखो, it means it is the mass of one mole of the atom, it is the mass of one mole of the atom of that element, it is the mass of the one mole of the atoms of that element expressed in gram, ठीक है, expressed in gram, इसलिए इसका नाम क्या है, gram atomic mass। Example लिखो, gram atomic mass of oxygen is 16 gram, oxygen atom basically is 16 gram, ठीक है, आप नीचे लिख सकते हो 16 gram को आप इन सर्कल करके फिर लिख सकते हो, it is nothing but the molar mass,
it is nothing but the molar mass of one of atomic oxygen atoms, molar mass of oxygen atoms, है ना? क्योंकि आप अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का बात करो तो 32 हो जाएगा फिर एक मोल का. अच्छा, फोर्थ में लिखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इसमें लिखिए मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कॉमा, इट मींस इट इज द मास ऑफ वन मोल, it means it is the mass of one mole of molecules of that compound or element, it is the mass of one mole of molecules of that compound or elements expressed in gram, expressed in gram. Example, sir, will you please repeat one more time? Okay. It means it is the mass of one mole of molecules. It means it is the mass of one mole of molecules of that element or compound, of that element or compound. Expressed in grams. Sir, sir, जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम ही है तो हम लोग दोनों को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? भाई दोनों सेम कैसे है बताओ? मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड और एलिमेंट. सेम कैसे है? मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का वेट है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट है, बहुत फर्क है, ठीक है? और सर मोलर मास और ग्राम एटॉमिक, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास को इससे कोई मतलब नहीं है. मोलर मास इज सेम एज, मोलर मास समझना, मोलर मास इज सेम एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? आते आते पहुंच रहे, इसके बाद मोलर मास नहीं पहुंच रहे, सो थोड़ा सा वेट करो. अभी ये हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, उसका एग्जांपल लिख लो एक. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 32 ग्राम, 32 ग्राम, ठीक है? और वही उसका मोलर मास भी है, वही उसका मोलर मास भी है भाई. अच्छा, अब इसका अगला डेफिनेशन लिखो, मोलर मास. मोलर मास, mass of one mole of, mass of one mole of the particle, mass of one mole of the particle, mass of one mole of the particle, bracket में लिखो atoms or molecules, particles can be atoms or molecules. molar mass, समझना बात को, molar mass atom के लिए भी सही है, molar mass molecule के लिए भी सही है. अगर मैं आपसे ये पूछता हूं what will be the molar mass of oxygen atom, तो आप क्या बोलोगे? 16 ग्राम. अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल, आप क्या बोलोगे? 32 ग्राम. तो मोलर मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप मॉलिक्यूल का निकालोगे मोलर मास तो देख लेना अकॉर्डिंगली, अगर एटम का निकाल रहे हो तो भी उतने का ही होगा, ठीक है? ट्वाइस अगर फर्क है तो उसमें ट्वाइस ही फर्क होगा. yes, sir. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं टॉपिक अपना चेंज करते हैं और पहुंचते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्यू, calculation of number of moles, ठीक है? Okay. Calculation of number of moles. Okay. So how do we calculate the number of moles? Number of moles is equals to, जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे वही फॉर्मूले है, बताओ क्या होता है? गिवन मास इन मोलर मास, ठीक है? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास. आप समझ रहे हो मैंने गिवन मास इन ग्राम क्यों कर दिया? क्योंकि नीचे में क्या है? मोलर मास है, और मोलर मास पक्की बात है कि ग्राम में ही होगी,
मोलर मास तो ग्राम में ही होने वाली है ना, किसी की भी होगी मोलर मास, कि एक मोल का मास है वो, तो एक मोल का मास तो भैया हमेशा ग्राम में ही होगा, इसलिए ऊपर में हम लोगों ने क्या लिया, गिवन मास इन ग्राम, ठीक ठीक है ओके, इज इक्वल्स टू, और क्या हो सकता है इसके, इसी का इक्वल और भी फॉर्मूला बताओ, अगर वो आपको मास के टर्म्स में वैल्यू नहीं दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में दिया, तब क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, बिल्कुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, सही है बिल्कुल, ठीक है ओके, और कुछ और बताओ, गिवन वॉल्यूम अपॉन, बताओ लीटर, तो ये वॉल्यूम भी किसमें होगा, लीटर, अगर ये एमएल में होगा तो ये भी एमएल में होगा, थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या फॉर्मूले आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले हैं भाई, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले हैं और तीन ही फॉर्मूले, फोर्थ कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, ठीक है, क्या क्या है, अगर आपको मास दिया हुआ है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लेना, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, समझना अपन पहुंच रहे किसकी वॉल्यूम, अब आपको अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तब क्या करोगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन ये आप लोगों को जो लोग पास आउट वाले हों उनको कम से कम ये पता होगा कि 22.4 कहां से आ रहा है और ये कौन से केस में आ, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ना गिवन वॉल्यूम का, ये आपका वैलिड है ओनली फॉर क्या, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, बट ये दोनों जो पहले वाले दोनों फॉर्मूले है ना, ये वाला और ये वाला, इनिशियल टू फॉर्मूले वेयर वैलिड फॉर ऑल थ्री, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, मतलब सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सेकेंड वाला भी अप्लाई कर सकते हो इन ऑल थ्री, बट इफ थर्ड वाला है इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैसेस, चलो जाए आगे बढ़े इसके बाद, क्वेश्चन करें, yes, sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा अपने को, और जो क्लास इलेवंथ वाले हैं तो परेशान नहीं होना, ये वैल्यू कहां से आ रहा है 22.4, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब अपन पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, जब अपन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक है इक्वेशन आएगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी करके एक इक्वेशन आती है, क्या है नहीं है सब पढ़ लेंगे उसके लिए अपन, तो वो इक्वेशन में जब अपन पुट करेंगे ना तो ये वॉल्यूम की वैल्यू सीधा आ जाती है एनटीपी कंडीशन पे 22.4, तो वो आने वाले चैप्टर की बात है, जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे गैसियस स्टेट ये उसमें पढ़ाई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस इस वैल्यू का आप लोग ध्यान रखना, अच्छा ये वैल्यू है क्या एक बार वो बात कर लेते हैं, तो ये वैल्यू ये है 22.4, ये लिखो, इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन आइडियल गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर बहुत आपको डेफिनेशन ही देना है तो अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये वैल्यू इतना ही, ये वॉल्यूम की वैल्यू इतनी ही क्यों आई, क्योंकि इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, आइडियल गैस, एन आइडियल गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अब क्या कंडीशन से क्या है सब अपन आगे बात करेंगे, बोर्ड विजिबल नहीं है क्या, पूरा बोर्ड विजिबल नहीं है क्या, ठीक है भी? विजिबल है सर, ठीक है चलिए क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग इसी के साथ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 18 ml of it, in 18 ml of it,
find out the number of molecules of H2O in 18 ml of it. बताइए. और इस क्वेश्चन को आप और थोड़ा सा ऐसे कर लो, अगर और थोड़ा सा क्वेश्चन को वो कर रहे हो तो, जहां H2O लिखियो उसके ब्रैकेट में कर लो वाटर, है ना, फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए. लिखो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 18 ml ऑफ इट. ठीक है, H2O को हटा दो, आप वहां पे वाटर रखो. फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 18 ml ऑफ इट. बताइए. क्या आ रही है वैल्यू बताओ? वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगी उसके 18 ml में, ये सवाल है आपका. क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. 14.519 × 10^20. ठीक है, देखता हूँ क्या आता है. क्या बोल रहे हो आप, आंसर फिर से बोलो. आई थिंक इट्स फ्रॉम, इट्स वन मोल. वन मोल, गुड. आपसे मॉलिक्यूल पूछा गया था तो आंसर क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर, राइट? यस सर. सबका आ रहा है आंसर? और एक पहले, इसके पहले किसी ने आंसर दिया था सर, क्या आंसर था आपका? क्या 40 × 10^19 ऐसा? 14. अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, आप देखिएगा. ठीक है, जैसा होगा तो आप खुद देख लीजिएगा. अच्छा, किसी मैडम ने आंसर किया है कि आपका वन मोल आ रहा है, मतलब उनका कहने का एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका आंसर. चलिए, सही है उनका आंसर कि नहीं सही है, बताइए आप लोग क्या करें. मैडम आपने क्या करा, कैसे निकाला बताइए. पहले आपने क्या करा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाला होगा. मॉलिक्यूल्स तो आपसे पूछ रखा है, बट नंबर ऑफ मोल्स ही पहले निकालेंगे. और फिर आपने को पता है वन मोल में एवोगाड्रोस नंबर, तो जितने मोल्स होंगे अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया आपका. आप क्वेश्चन में आपको किस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम के रिगार्डिंग, राइट? तो क्या आप करोगे बताओ, बताओ भाई. सर, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर. हां, गुड. अगर मान लो मेरे पास क्या है वैल्यू, मेरे पास वैल्यू है, हाँ ठीक है, वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास गिवन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आपके पास कितना है, 18 ml, राइट? अगर ये ml में है, इसे भी अपन किसमें कर लेंगे, ml में कर लेंगे. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यस सर. और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है, सही है सर? मैंने ऐसे नहीं किया. yes, okay. तो कैसे किया आपने बताइए सर. एक
कोई ऐसा जिसका ये आंसर नहीं है? नहीं सर। नहीं, अभी क्या बता रहे थे? हाँ मैडम, आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? आप कि इसमें आंसर ऐसा नहीं होगा, क्या होगा बताइए। सर मैं ये वाला लॉन्ग कट हो रहा था तो मैंने शॉर्टकट से किया था। सर मैंने मास इक्वल्स टू डेंसिटी टू वॉल्यूम किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना भी वैसे ही था। ये जो लोगों ने ऐसे किया है ना, वो गलत आंसर है। गलत आंसर इसलिए है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया कैसे? हाउ डेयर यू, कैसे किया ऐसा हरकत? तुम लोग किए कैसे ऐसा? इसलिए yes, वो तो गैस था, ओनली गैस। बस अभी तुरंत मैंने बताया था, और तुरंत फिर देखो आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जाम तक पहुंचते हुए क्या कर लोगे भाई? मोल का फॉर्मूला भी उल्टा लिखोगे क्या उधर जाके? कैसे करोगे यार? यार ये तो सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड थी ना फॉर्मूले, आप लोगों ने मस्त इसको वाटर के लिए लगा करके और आंसर भी निकाल कर बोल रहे हो कि हाँ सारे का सेम आंसर आया है। और जो मैडम ने अभी आंसर कर रहा था कि हाँ मतलब सर हमने तो डेंसिटी से किया है, मैडम वो तरीका बिल्कुल सही है और वैसे ही होगा, बट आप जो रीजन दे रहे हो ना उसके पीछे, ये लॉन्ग कट था मैंने शॉर्टकट लिया, वो शॉर्टकट नहीं है, वो वे है, इट इज द करेक्ट वे एक्चुअली। और ये अगर आप इस पॉइंट से एग्री कर रहे हो, इट मींस गलत होगा फिर। अब समझो क्या होगा, जब वो गैस है ही नहीं तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, वो है क्या लिक्विड, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, पहले के दो फॉर्मूले जो है उसमें से ही कोई ना कोई यूज करने पड़ेंगे, तो उसमें भी हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें गिवन है नहीं। हाँ वेट वॉल्यूम मास ये कुछ कर सकते हैं अपन लोग, अपने को पता है वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सबको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है प्योर वाटर की। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या भी लिख सकते हैं, एमएल भी लिख सकते हैं, अपने को पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, सेम होती है दोनों, राइट? इसको अपन ml से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। मतलब वाटर की आपकी डेंसिटी क्या होती है? वीडियो लैग कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर हो सकता है कि आपने जो मैसेज किया आपका कुछ प्रॉब्लम होगा आपके एंड से, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को तो कंप्लेन नहीं है ना, फिर तब देख लीजिए एक बार। तो ये आपका डेंसिटी हो गया वाटर का 1 ग्राम पर ml, आपके पास वाटर है कितना 18 ml, इसका मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, है ना? कैसे कर रहे अपन? कुछ नहीं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 18 ml, ml कैंसिल 18 ग्राम, वही मैं कह रहा हूं 18 ग्राम आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि 18 ml ऑफ वाटर जो उसने दे रखा है, अल्टीमेटली वो मेरे को 18 ग्राम ऑफ वाटर भी कह रहा है साथ में। अपन ml से यूज नहीं करेंगे, अपन ग्राम से यूज कर लेंगे उस चीज को, ठीक है? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास व्हिच विल बी 18 ग्राम, राइट, अपॉन मोलर मास व्हिच इज अगेन 18 ग्राम, सो आंसर इज 1 मोल। तो मोल का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 आ गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, कितने सारे मॉलिक्यूल्स उसके होंगे, एवोगाड्रोस नंबर। कैसे? अगर यहां पर भी आपको फॉर्मूला यूज करना है तो कर लो यार, क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेकंड वाला जो फॉर्मूला है अपॉन NA एवोगाड्रोस नंबर। अब की बार आपको मोल की वैल्यू पता चल चुकी है 1 है ना, 1 पुट कर दो, आपसे पूछ क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल ही तो होगा ना, क्योंकि H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल ही होगा, है ना? पार्टिकल तो अपने हाथ में होता है ना, एटम है या मॉलिक्यूल, तो केस टू केस वेरी करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, n, यही आपका आंसर है। तो बस इस क्वेश्चन में जो क्लिक पॉइंट था वो बस इतना ही था कि आपका गैसेस का इक्वेशन आपको नहीं लगाना है वॉल्यूम देख करके, तुरंत से जो आप लोग जंप कर देते हो ना वैसा नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट NTP कंडीशन। NTP क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन। चलो आगे बढ़ते हैं, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन
ब्रैकेट में कर लेना इसको एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज स्टिल रिमेनिंग हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज स्टिल रिमेनिंग if we removed 9 into 10 to the power 23 if we removed 9 into 10 to the power 23 molecules of CO2 if we removed 9 into 10 to the power 23 molecules of CO2 from 88 gram of CO2 sample बताइए तो क्वेश्चन क्या आप समझ रहे हो आपके पास CO2 का एक सैंपल है 88 ग्राम उसमें से आपने कुछ पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया कितना रिमूव किया 9 टू 10 टू द पावर 23 आपसे पूछ रहा है कि अब कितना वॉल्यूम CO2 प्रेजेंट होगा उस कंटेनर में बताइए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में बताइए कितना हो रहा है क्लास खत्म हो गया सर नहीं सर लास्ट क्वेश्चन बस ओके ओके किसी का आंसर आ रहा है बताइए क्या हुआ किसी का आंसर नहीं आ रहा सर 3 × 10⁻²³ अप्रॉक्स आपसे पूछा क्या गया था भाई वॉल्यूम पूछा गया है ना क्या बता रहे हो आप बट जब आप आंसर बता रहे हो ना आप आंसर ठीक बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ बट आपसे वॉल्यूम पूछा गया तो yes, उस, sir. उसमें आंसर करिए बाकी लोग बताओ भाई और क्या है क्लास 11th क्या लग रहा है सर 44.8 लीटर 44 क्या फिर से बोलो 44.8 लीटर अच्छा मतलब मिस्टेक है बट थोड़ा ध्यान दो अपने कैलकुलेशंस पे एक बार ध्यान दो तो शायद आ जाए आपका आंसर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आप हाफ टू ऐसा कुछ किए हो चलो सॉल्व किया है ये बताओ अच्छा शायद लगता है कि आपने क्या किया है आपने 88 ग्राम को लेकर 2 मोल से सीधा आंसर कर दिया बट आपने ये नहीं ध्यान दिया उसमें से कुछ पार्टिकल्स रिपोर्ट भी की गई है
ठीक है चलो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन आपके पास ये है, एक आपके पास CO2 सैंपल है, ठीक है, एक आपके पास CO2 सैंपल है, इनिशियली कुछ होगा उसमें से कुछ CO2 आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, बस अब जो CO2 इसमें रिमेनिंग है उसकी वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, बता दो वॉल्यूम। और यहां पे आपसे जो रिमूव किया है वो पार्टिकल्स के नंबर में रिमूव आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, और जो सैंपल आपका प्रेजेंट था वो मास के टर्म्स में दिया हुआ है। मतलब कितना आसान होता है ये आंसर करना, अगर CO2 सैंपल है उसमें से माइनस कर देंगे रिमूव, जो बचेगा वो रिमेनिंग है। बट क्वेश्चन में टफ पार्ट जो आप लोगों को लग रहा होगा वो ये कि सर ये इंफॉर्मेशन मास में दिया है ना, कि इनिशियली कितना प्रेजेंट था, कितना प्रेजेंट था, 88 ग्राम, 88 ग्राम, तो इतना इनिशियली प्रेजेंट था, आपने पार्टिकल्स जो रिमूव किया वो इतना रिमूव किया। अब बताइए वॉल्यूम कितना लीटर बच रहा है, यार कैसा क्वेश्चन है यार, तीनों चीजें आपने यूज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मोल्स निकालने में तीनों तो यूज आती ही है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते 88 माइनस दिस, क्योंकि भाई ऐसे कैसे करेंगे, आपका अलग क्वांटिटी है, अलग है, ऐसा तो नहीं करेंगे, सबको पहले सेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, सबके लिए सेम क्या होगा, सबको पहले मोल्स में कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 88 ग्राम से मेरे को कुछ नहीं समझना, 88 ग्राम मेरे को नहीं समझ माना, क्योंकि अगला जो आपने रिमूव किया है वो ग्राम में नहीं रिमूव किया है, अगर ये रिमूव ग्राम में किया होता कि 30 ग्राम तो दिक्कत नहीं थी, फिर इसको इसमें ही छोड़ दिए होते, बट ये रिमूव किया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, एंड ऑल आर कनेक्टेड थ्रू नंबर ऑफ मोल्स, सब में कॉमन आता है, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने मोल्स होंगे बताओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, गिवन मास अपॉन मोलर मास वैल्यू इज 2 मोल्स, अच्छी बात है, मतलब इनिशियली आपको 2 मोल्स प्रेजेंट है इनिशियल सैंपल में, ठीक, आपने कितने पार्टिकल्स रिमूव किए हैं 9 × 10⁻², अब इसको भी आप मोल्स में एक्सप्रेस करो कि आपने कितने मोल्स ऑफ CO2 रिमूव किए हैं, है ना, क्योंकि ये मोल्स में सारे इंफॉर्मेशन मोल्स में चाहिए, तो कैसे निकालते हैं मोल्स, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, आप यहां 6 ही लेकर चलो, 0.023 कैलकुलेशंस में अपन इग्नोर करते हैं, बोर्ड एग्जाम होंगी, बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तब आप सिर्फ 6.023 ऐसे करके लिखना, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो रही है क्वेश्चंस कर रहे हो 6 लिखकर आगे बढ़ जाओ, टेंशन नॉट, ठीक है, ओके, इसकी कितनी आ गई 1.5 मोल्स, ओके, मतलब 2 मोल्स में से आपने 1.5 मोल्स बेसिकली रिमूव कर दिया है, तो बचा कितना मोल होगा, 0.5 ही मोल्स बचे होंगे ना, अब 0.5 मोल्स का आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कितना होगा आंसर बताओ, 0.5 मोल्स का वॉल्यूम पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो, हाँ बात सही है, आंसर कितना आएगा, देखो आपके पास इतना मोल आ गया, आपको इतने मोल कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स अपन क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और क्वेश्चन में आपको देख रखा है स्पेशल कंडीशन, तो गिवन वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही, तो कितना हो गया 0.5 मोल्स, 22.4 इज आवर आंसर, गिवन वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई, आंसर इज 11.2 लीटर्स, क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन था सबको समझ आ गया, ये बताओ पहले, यस सर, ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आया या फिर कुछ लग रहा है तो एक बार ट्राई करके देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में हमने मोल्स को कैलकुलेट करने के तीनों फॉर्मूले को एक साथ यूज कर लिया है, है ना, वन बाय वन के क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे आपको कि वॉल्यूम अलग से दिया हुआ है, पार्टिकल से करो कैलकुलेट, इस एक क्वेश्चन में तीनों फॉर्म यूज हो गया एक साथ, ठीक है, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे स्टार लगा के रख सकते हो फॉर फर्दर रिविजन, आप इससे ही कर सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया, और हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट कर रहे थे कि हमारे पास बेसिकली एटम्स मॉलिक्यूल्स की तो हम लोगों ने आज उतनी बात नहीं करी है, वो हो जाएगी आगे चल आगे टाइम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन हमारा स्टार्ट किया कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट में है क्या, तो कुछ नहीं, एक नंबर है बड़ा सा, और वो नंबर हमारा एक मोल कहलाता है, अब वो उतनी ही वैल्यू क्यों आ रही है वो हम लोगों ने आगे देखा, क्योंकि वो 1/1 mu इक्वल आती है और वो उतनी ही आ रही है, इसलिए वैल्यू उतनी चूज की गई।
ठीक है ओके, जो भी चूज किया था बहुत स्मार्टली चूज किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद कुछ हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करी, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, फिर मोल का डेफिनेशन देखा कैसे करते हैं कैलकुलेट हम लोग, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे। आज के क्लास में इतना ही हुआ, बाकी अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास, ठीक है, चला जाए सर। हाँ बताइए सर, विल यू प्लीज साइड सो आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके डेफिनेटली, थैंक यू सर। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं, चलिए मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।